इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रगटचारी पद धर्म के कलिमहु वे जेन खेल विधि दीने दान करई कल सत्य दया तपोदान। कलयुग में दान करना भी धर्म है। ये चार मार्ग है धर्म के। जिसकी जैसी रुचि हो एक पथ पकड़ ले। चारों में जाना आवश्यक नहीं है, एक जो समझ में आ जाए। सत्य पालन आ जाए सत्य में रहिए, अहिंसा पालन हो अहिंसा में रहिए, परहित करना हो परहित में रहिए। दान धर्म का पालन हो सके तो दान करिए। महाराज दान कैसे करें? जेन केन विधि कैसे भी करिए। बैठो बैठो, चार पांच कुर्सी लगा लो। हाँ ठीक, आज बीती गया अंतिम दिन है, ये है 7 दिन झेलो, क्या करियो। धर्म के चार चरण, उनमें एक कलयुग में प्रधान है, वो है दान। आप सब जानते हैं सब समझते हैं। कर्मकांड के आश्रम में कलिकाल के तामस राजस प्रधान जीव को रत होना थोड़ा कठिन है, कठिन नहीं है थोड़ा कठिन है। राजस भाव प्रधान जीव धर्म करना चाहता है। धर्म की चर्चा करिए थोड़ा, आइए ना। यजमान बनना है तो यजमान, व्यस्तता तो बहुत है लेकिन चलिए हम बताते हैं आपको। पहले लोग स्वतः जाते थे, महाराज यज्ञ हो रहा है मेरा भी एक नाम लिखिएगा। लेकिन कलयुग में धर्म में बुद्धि जगाते जगाते समझाते बताते लगती, इसलिए बाबा ने यहां सदग्रंथों के आश्रय से निकाला, कहा जेन केन विधि दीने। उठा के दे दो, प्रेम से दे दो, बुला के दे दो, जाके डालाओ, चुपचाप दे दो, कैसे भी दान करो तो कल्याण होता है। धर्म पथ, मेरे राम जी का चरित्र ऐसा अद्भुत है जो सर्वकाल धर्ममय है। महर्षि वाल्मीकि जी मिथिलापति से कहते हैं एषः रामः। धर्मवान विग्रह, ये कौन है? ये राम जी हैं। क्या हैं? धर्म की प्रतिमूर्ति हैं राम। अरे धर्मोवान विग्रह, हाँ अर्थात राम को समझ गए तो धर्म समझ गए, रामचरित्र समझ में आ गया तो धर्म समझ में आ गया। राम जैसा सुनना कहना सरल है, रहना सरल नहीं, बहुत कठिन है। राम जी के नाम का जप करना भी सरल है, राम जी जैसा रहना बहुत कठिन, आग में चलने जैसा है, बड़ा मुश्किल है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या मुश्किल है, वो तो 9 दिन में पता चलेगा। इसीलिए कथा है राम कथा, सरकार की कथा केवल मनमुखी चर्चा नहीं, जीवनमुखी चर्चा है। सुन जाइए बस, केवल सुनिए। अरे मेरे से ना सुनिए, किसी से भी रामायण जी पढ़वा कर अर्थ सहित सुनिए,
बोध जग जाएगा। जब सुनेंगे समझेंगे जीवन में आनंद आएगा। वही कथा जो भोले बाबा ने मां भगवती को सुनाया, भुसुंड जी ने पक्षराज गरुण जी को सुनाया, याज्ञवल्क जी महाराज ने भरद्वाज जी के प्रति गाया, प्रातस्मणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गंगा मैया और संतजनों को सुनाया, हम आप नौ दिन पर्यंत नाना विधि कुछ व्यास पद्धति से कुछ समास पद्धति से। व्यास पद्धति माने विस्तार से, समास पद्धति माने संक्षेप में। श्री हनुमान जी जैसे जैसे सुनना चाहेंगे वैसे वैसे सुनेंगे। हम आप तो निमित्त हैं, सुनना तो श्री हनुमान जी को है, हमारे प्रधान श्रोता श्री हनुमान जी हैं। हम भी चाहेंगे न्याय हो, महिमा का बहुत वर्णन करना नहीं है, अस्तु महिमा तो हनुमान जी जानते हैं, इसलिए सीधे हम कथाक्रम को प्रणाम करते हैं आप सबके लिए। चूंकि श्रोता आप भी हैं, आपको जो जो प्रसंग श्री हनुमान जी के सानिध्य में सुनना हो, हमारा कार्यालय लगा है, वहाँ पर लिख करके कल पहुँचा दीजिएगा, फिर वही वही प्रसंग हम सुनाते रहेंगे हनुमान जी को। हम ये मान लेंगे श्री हनुमान जी ने प्रेरणा करा के आपसे कहलवा दिया, नहीं तो हम तो सुना ही देंगे जो सुनाना है। महाराज जी ने बड़े प्रेम से सुनाने के लिए बुलाया है, मैं भी प्रेम से सुनाऊंगा। हैं, अब जो है सो तो है ही है, हैं? महाराज जी ने हमको बड़ा ऊंचा पहुंचा दिया। हम ऊंचा उठने से डरते हैं कहीं गिर न पड़े। हम हनुमान जी से नहीं डरते, प्रधान जी से डरते हैं। आइए, जय जय राम कथा, जय श्री राम जी।
इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।